जो कुछ हो रहा है या जो ऑन टूर चीजें थी, परफॉर्मेंसेस हमारी जो अप एंड डाउन हुई हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं उस पर बात करूं। एंड आई होप कि जो क्रिकेट को समझने वाले हैं वो इस चीज़ को समझेंगे और इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या वजूहत हैं, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, इस तरह की परफॉर्मेंसेस क्यों आई हैं। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए समझना, हमारे लिए भी समझना और जो फैंस हैं उनके लिए भी समझना। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में वो ये है कि सबसे पहले तो जो टीम की मैं बात करूँगा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ हार्डवर्क, कमिटमेंट, जो कोचिंग टीम थी या जो प्लेयर्स थे, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो टाइम था गिवन टाइम प्रिपरेशन के लिए, आई बिलीव के हमने अपनी 100% एफर्ट उसमें की, सब ने की। बट क्रिकेट में हमें पता है कि समटाइम्स जितनी भी आप कोशिश कर लें, प्रैक्टिस कर लें, रिजल्ट्स आपको शायद उस तरह के नहीं मिलते, क्योंकि लक का फैक्टर भी बहुत होता है इसमें। बीइंग बैट्समैन, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, यू गो देयर, हो सकता है पहली गेंद पे आउट हो जाएं। इसी तरह फील्डिंग की बात है, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, समटाइम्स इट्स नॉट गोइंग योर वे, तो इट्स नॉट गोइंग योर वे। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें मेरे ख्याल में जिसकी वजह से हम अफेक्ट हुए। टॉकिंग अबाउट द अपोजिशन, आई थिंक आप सबको पता है न्यूजीलैंड की जो ये प्रेजेंट टीम है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और स्पेशली एट होम जो उनका रिकॉर्ड है पिछले 2 सालों का, 2.5 ईयर्स, बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, एंड दे आर नॉट प्लेइंग इन बबल्स, ये भी उनको एक एडवांटेज है। ओवरऑल आई थिंक दे हैव बीन प्लेइंग एक्सीलेंट क्रिकेट, और उसके सामने हम शायद उस तरह की क्रिकेट नहीं खेले, अपने पोटेंशियल से नीचे थे और उसकी वजह से भी रिजल्ट्स काफ़ी अफेक्ट हुए हमारे। आई थिंक मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, क्रिकेट को 1-1.5 साल पहले और अब की क्रिकेट में जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जो आप लोगों ने भी रियलाइज़ किया होगा जब हम न्यूजीलैंड में गए और जब वहाँ पे कोविड की सिचुएशन हुई और एक लॉकडाउन की, एक आइसोलेशन की सिचुएशन हुई, और जहाँ पे हमने 3 दिन के बाद प्रैक्टिस करनी थी, अगले 9 दिन हमारी हमारा कैंप था, वो भी हमें आइसोलेशन में गुजारना पड़ा। और तकरीबन 19 दिन, 18 से 19 दिन हम लोग कमरों में ही हमने गुजारे, एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग, जिसमें हम नॉर्मल जो एक एक्सरसाइज रनिंग वो तक नहीं कर पाए, रूम्स में हैं, रूम्स में वॉक कर रहे हैं, रूम्स में सारा कुछ कर रहे हैं। और ओवरऑल हमारी सिचुएशन छोड़ें, जो ओवरऑल दुनिया की क्रिकेट इस टाइम पे हो रही है कोविड की सिचुएशन में, आप देख रहे हैं कि टीम्स की परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन हो रही हैं, स्पेशली द टूरिंग टीम्स, जहाँ पे भी क्रिकेट हो रही है इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में हमने कैसे निकलना है, कैसे चलना है, इन परफॉर्मेंसेस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से आपके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक हमारी जो परफॉर्मेंस थी, यहीं से अगर हम देखें ओवरऑल ऑन द फील्ड, हमने मिस्टेक्स की, ठीक है, हमसे कैचेस ड्रॉप हुए, हमारे से जिस तरीके से बैटिंग करनी थी बॉलिंग नहीं कर पाए, बट देन अगेन हमने ये भी देखना है कि जी हमारी जो सबसे, जैसे हमने स्टार्ट किया यहीं से, एक बंदा कोविड की वजह से जा नहीं सका, जो कि हमारा T20 में शायद हमारी फर्स्ट चॉइस थी वहाँ पे एज एन ओपनर, या टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस फ़ख्र ज़मान ने की थी, वहाँ जाके आई थिंक इंजरीज ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हमें। सबसे बड़ी जो हमारे लिए वहाँ पे मसला हुआ वो बाबर आजम का हुआ, ऑब्वियसली बीइंग द नंबर 1 बैट्समैन इन T20, आई थिंक दैट वाज अ बिग मिस फॉर अस, और इन टेस्ट क्रिकेट इवन मोर रिलायबल बैट्समैन इन प्रीवियस ईयर द वे ही परफॉर्म्ड इन ऑस्ट्रेलिया,
और जिस तरीके से इंग्लैंड में उसने परफॉर्म किया, जिस तरीके से यहाँ यहाँ पे उसने रन्स किया, आई थिंक दैट वाज अ बिग लॉस फॉर अस। ऐसे ही था हमारे लिए जैसे केन विलियमसन के बगैर न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट खेल रही होती। ये दोनों टेस्ट मैचेस जिस तरह का उसका कंट्रीब्यूशन था, बाबर का सेम रोल था हमारी टीम में, सेम पोजीशन थी। तो आई थिंक ओवरऑल ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मॉरल, जिसको कह सकते हैं कि धचका था मॉरली भी और ऑन द फील्ड भी, ऑब्वियसली उस परफॉर्मेंस का। आई थिंक कि ये सारी चीज़ें इसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि द एफर्ट पुट इन बाय पाकिस्तान टीम, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, बट हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो अपोजिशन थी देवर बेटर देन एस इन ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स, और उन्होंने प्रूव किया है पिछले 2-2.5 सालों से। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अपनी जो जो वो बेहतर क्रिकेट है वो प्रीवियसली जैसे खेलते हुए आ रहे थे और वो रेडी थे, वेस्ट इंडीज से भी खेल रहे थे, उन्होंने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली और दे डिफीटेड अस। सो ओवरऑल बाय द एफर्ट आई थिंक ऑफ माई टीम, कहीं भी मुझे शक नहीं है कि हमने अपनी तरफ से कोशिश में कमी छोड़ी, बट वी लॉस्ट टू अ बेटर टीम हु प्लेड बेटर क्रिकेट। जाहिर है काफ़ी चीज़ें हैं, आपको भी चीज़ें नज़र आई, हमें भी नज़र आई, एंड वी नीड टू सॉर्ट दोज थिंग्स। कोशिश हमने करनी है कि आगे हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, जिसमें कि मेजर फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं। फील्डिंग का बहुत बड़ा एक फैक्टर था और हमने उसको बेहतर से बेहतर करना है। अगेन मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें ये वो फैक्ट्स हैं जो शायद दिल से आप लोग सब लोग, या क्रिकेट जो खेलने वाले हैं या देखने वाले हैं, समझने वाले, वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। ये सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, ये दुनिया के सारे जितने भी बड़े कोचेज हैं इस टाइम टीमों के साथ, मार्क बॉचर है, मिकी ऑथर है, बाकी भी जितने रवि शास्त्री है, सबको ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। एंड कोविड इज समहाउ अफेक्टिंग द परफॉर्मेंसेस ऑफ द प्लेयर्स, उनकी फिटनेस इंजरीज का भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। आई डोंट नो कि ये जो बबल्स हैं ये मेंटली और फिजिकली बहुत अफेक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को, बट दैट इज़ द फैक्ट। हम जितना भी आप मुझे कहेंगे जी आगे एक्सक्यूज दे रहा हूँ मैं या कोई ऐसी चीज़, तो सारी दुनिया को ये मसले हो रहे हैं और हमारे हमने इसका वे आउट निकालना है, हमने इसकी कोशिश हम कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आई मीन इट्स अ बिग फैक्टर। हम भी परेशान हैं कि हमने कैसे चलना है इसमें, एक बबल से दूसरे बबल में, और फिर आइसोलेशन, और फिर यू हैव टू कीप योर क्वालिटी क्रिकेट की और फिटनेस की वो भी उस तरह रखनी है बिफोर इवन गोइंग इन टू अ सीरीज। जो आपके कैंप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फिटनेस है या फील्डिंग है, ये चीज़ें बहुत अफेक्ट कर रही हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल एक पैकेज बन के फिर आपकी परफॉर्मेंस को, मेरे ख्याल में हमारी परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट किया इसने। जहाँ तक बदीश ने पहले बात की क्रिकेट कमेटी की, ऑब्वियसली ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। मुझे ज़ाहिर है मैं पहले भी एक BOG के सामने भी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से जाके मैंने उनको भी प्रेजेंटेशन दी, और इन क्रिकेट कमेटी ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और वो होगी कल। और सेम चीज़ें जो सेम मसले हैं या सेम जो फैक्टर्स हैं, आई थिंक आई नीड टू जस्ट टेल देम एंड होपफुली एवरीबॉडी हु नोज क्रिकेट, जिसको जो अंडरस्टैंड करता है इन सारी चीज़ों को, इन सारे फैक्टर्स को समझेंगे, एंड वट एवर रिकमेंडेशन दे गिव इट टू द बोर्ड, फाइन दिस इज़ अप टू देम। आई थिंक ये सारी चीज़ें थी जो ज़रूरी थी आप सब लोगों को बिफोर वी गो इन टू क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखनी, एंड नाउ आई एम हेयर। जो भी आपका सवाल है, सवाले से। थैंक यू सो मच मिस बावलक। सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर एक सवाल हो जाए तो उसको रिपीट ना करें, ताकि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। पहले हम दो क्वेश्चंस लेफ्ट साइड से ले लेंगे, फिर राइट साइड से उमर कॉल्सन और सुहेल इमरान, फिर हम इधर आते हैं। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल का है, लेकिन हर सीरीज के बाद आपका एक्स्ट्रा स्क्रूटनी हो रही है, रिव्यू किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस को। अभी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ प्लान करना है। जब आपकी हर सीरीज के बाद स्क्रूटनी होगी, तो आप कैसे लॉन्ग टर्म प्लान कर सकेंगे? देखिए बात यह है कि एक
स्क्रूटनी है और एक आपने एनालिसिस करना होता है किसी भी सीरीज का. एनालिसिस जरूरी है, एनालिसिस आपको भी करने चाहिए एंड ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड हैज अ राइट टू डू द एनालिसिस कि हाँ जी क्या चीज़ क्यों गलत हो रही है. मेरे ख्याल में इसको माइंड नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी कम्युनिकेशन गैप ना हो, अच्छी कम्युनिकेशन हो. नीड टू अंडरस्टैंड वाकई जो फैक्टर्स हैं, वाकई जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, उनको बेहतर अंदाज में प्लान करने की ज़रूरत है. और जहाँ कमी रहती है हमारी तरफ से, जहाँ हमारी मिस्टेक्स हैं, ऑब्वियसली उनको भी सामने लाने की ज़रूरत है ताकि हम आगे उसको रिपीट ना कर सकें. आई थिंक दैट इज़ वेरी वैलिड पॉइंट कि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, बिकॉज थिंग्स टेक टाइम. और किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो सकते. आपको थोड़ा सा टाइम देना है चीज़ों को, प्लेयर्स को भी, टीम को भी. बहुत ज़्यादा इसमें यंग प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट, एंड रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं उसको आते हुए शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है. आई थिंक ये हमारे लिए सब के लिए ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना. और इंशाल्लाह टाइम के साथ जो एंड रिजल्ट्स हैं वो भी फेवर में आएंगे. मिस्बा, जितनी ये तनकीद भी आपके ऊपर हुई और जैसा उमर ने जिक्र किया, बाउल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उन्होंने कहा कि फील्डिंग में बेहतरी लाने की जरूरत है. न्यूजीलैंड में 18 से 19 दिन आइसोलेट रहने से मनफी असर पड़ा.